Friends, welcome to Shiva Learning. For more updates, you can also log into our website www.shivalearning.in. So friends, इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को गुजरात की जो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है उसके बारे में बताने वाला हूँ. तो वाइज आपको मैं जल्दी आपका समय बर्बाद ना करते आपको सीधे वीडियो के टॉपिक के ऊपर लेकर चलता हूँ. अगर आपको इसमें अप्लाई करना है, ये मैं पहले बता दूँ, एक क्लोज स्टेट है, इसमें बाहर के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते सिवाय 15% ऑल इंडिया कोटा के. तो वाइज चलिए शुरू करते हैं. और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से कोई भी अपडेट आती है तो आप मिस ना कर पाएँ. तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने medadmgujarat.org पर लॉग इन करना है. इसका मतलब मेडिकल एडमिशन gujarat.org, सबकी शॉर्ट फॉर्म इसमें लगाई गई है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है. और उसको आप जैसे ही लॉग इन करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में, जो पहला न्यू जिसमें फ्लैश हो रहा है एडवर्टीजमेंट करके, पिन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो एक PDF फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा और वो हो जाएगा. तो उसमें एक नोटिस लिखा हुआ है जो कि गुजराती लैंग्वेज में है, बट उसके बाद वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिया हुआ है. अगर आपको गुजराती समझ आती है तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं. इसके अलावा इंग्लिश में ये कुछ इस तरीके से है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिन परचेस करना है आपको. आपको अपने काउंसलिंग स्टार्ट करने के लिए जो फीस वगैरह पे करनी है उसके लिए आपको पहले पिन परचेस करना है. तो इसमें लिखा हुआ है पिन परचेस इन पर्सन फ्रॉम एक्सिस बैंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स और ऑनलाइन परचेस फ्रॉम वेबसाइट ऑफ द कमेटी. आप अपनी नियरेस्ट एक्सिस बैंक की ब्रांच से भी इसको परचेस कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं. इसकी फ़ीस 200 रुपये है और उसकी डेट है 17 तारीख से 23 जून, यानी कि 17 जून से 23 जून शाम 4 बजे तक ही ये आप इसको परचेस कर सकते हैं. उसके बाद सेकंड पॉइंट में फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसकी डेट लिखी हुई है, वो भी 17 जून से आप 24 जून तक कर सकते हैं, बट सुबह 11 बजे तक ही खाली. और देन थर्ड नंबर पर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ जेरोक्स कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट हेल्थ सेंटर, वो 18 तारीख से 24 तारीख शाम 4 बजे तक आप कर सकते हैं. तो वाइज ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स गुजरात में मेडिकल एडमिशन MBBS BDS लेने के लिए. इसके अलावा इसके साथ ही इसमें नीचे इसकी फ़ीस 200 रुपये लिखी हुई है पिन परचेस करने की एक्सिस बैंक से. इसके अलावा आपको इसके बाद अपने अपॉइंटमेंट लेके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं जेरोक्स कॉपीज हेल्प सेंटर में. और उसके बाद डेट और हेल्प सेंटर में आप जाकर खुद आपने जो जेरोक्स कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स की जो कि 18 तारीख से 24 तारीख के बीच होंगी वो आपको खुद जाकर सबमिट करनी है. और जिनके पास लोकल कोटा है, कैंडिडेट्स हु वांट टू अप्लाई इन लोकल कोटा सीट्स ऑफ श्रीमती NHL म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज एंड अहमदाबाद और सूरत म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसी में ये जो कॉलेज के नाम मैंने आपको बताया इनके अलावा किसी में लोकल कोटा का नहीं होगा. सूरत मस्ट ऑब्टेन सर्टिफिकेट दैट स्टूडेंट इज़ लोकल स्टूडेंट ऑफ अहमदाबाद सूरत सिटी फ्रॉम डीन ऑफ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट. तो इसके लिए आपको डोमिसाइल चाहिए होगा गुजरात स्टेट का. और अगर आपके डोमिसाइल नहीं है, आप गुजरात से बिलोंग नहीं करते, तो आपने एटलीस्ट 11th और 12th अपनी गुजरात बोर्ड से पढ़ी होनी चाहिए, तभी आपको लोकल कोटा में एडमिशन मिलेगा. अदरवाइज़ आपको ऑल इंडिया कोटा में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, जिसके लिए कि लिमिटेड सीट्स है काफ़ी. ये एक क्लोज स्टेट है, मैं आपको पहले बता दूं. इसके अलावा जो NRI कैंडिडेट्स हैं उनको 10,000 रुपीज़ पे करने हैं. डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 10,000 रुपये का, और ACPUG MEC गांधीनगर के ऊपर. देन उसके अलावा इसमें एज सच इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो ओनली आपकी डेट्स थी कि 17 तारीख से 23 तारीख के बीच आपको पिन ज़रूर परचेस कर लेना है अगर आपको गुजरात में रजिस्ट्रेशन करना है. तो गाइस ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन. ये काउंसलिंग की डेट्स है 17 से 24 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की. उसके बाद फिर जब काउंसलिंग होगी तब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करने होंगे. तो गाइस आपको पता है अगर आप अपने डोमिसाइल वगैरह सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में से हट जाता है, और कुछ नए स्टूडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सीट्स ले लें. तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें. उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं आपको उसका आंसर करूँगा. मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार.